हम बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। इस साल कितनी है? ये पहली है। अच्छा, ये पहली है इस साल की। कांग्रेचुलेशंस ऋतिक भाई, बहुत दिन से लड़का ना वेट कर रहा था बाइक के लिए, फाइनली इसकी बाइक की डिलीवरी से हम पहली है। अभी गाइस यहाँ पे मेरी बाइक लगने वाली है, ये मैं इतने प्यार से लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो लव है ये ऊपर रखा हुआ है। दूसरों की बाइक के साथ फोटो खिंचवाएंगे। खुशियाँ जो है शेयर करनी चाहिए, बढ़ती है, कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। ऋतिक की खुशियाँ नहीं, हमारी खुशियाँ। ये मैग्नेटिक बॉक्स है और ये यहाँ से ऐसे खुलते हैं बॉक्स। हाय ऋतिक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली इट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम टू सी यू ऑल। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरे एक साल के बाद। लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैंने बनाई थी इन दिसंबर 2020 व्हेन आई वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स। और आज डेट है 3 जनवरी 2022, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है आज। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपने न्यू बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जा रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी मेरी खुशियों में शामिल हो मेरे साथ। तो बाइक बुक करवाया गया था 21 जून 2021 को और आज डेट है 3 जनवरी 2022। इट हैज़ बीन 193 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 6.5 मंथ्स। ऐसा नहीं है गाइस, जो बाइक मैंने बुक की है उसका वेटिंग पीरियड इतने लंबे टाइम के लिए था। जब मैंने अपनी बाइक बुक कराई थी तो मुझे बोला गया था कि आपको मैक्सिमम 4 महीने वेट करना पड़ेगा, तो जैसे तैसे करके 2 महीने हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने एक भाई को बोलकर बाइक को थोड़ा जल्दी मंगाया क्योंकि उसकी कुछ जानकारी थी रॉयल एनफील्ड के अंदर, और मेरी बाइक आ गई थी सितंबर मिड के अंदर। लेकिन उसके बाद भी 3.5 महीने और ऊपर खींचते चले गए। और इसका रीज़न ये है कि मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए थी वीडियोज़ बनाने के लिए, लाइक इक्विपमेंट्स, कैमराज एंड ऑल। और जब मैं इक्विपमेंट्स लेने के लिए गया तो मुझे पता लगता है भाई साहब जो कैमरा मुझे चाहिए वो 2 महीने की वेटिंग में है। उसके बाद मैंने वो कैमरा ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे भी वो आउट ऑफ स्टॉक था। मैंने दिल्ली में पता किया तो वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो एक जानकारी निकाल के कहीं से जुगाड़ हुआ कि भाई ये कैमरा मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 15-20 दिन आप रुक जाओ, उसके बाद हम आपको ये कैमरा प्रोवाइड करा देंगे। रुको जरा, सबर करो। उसके 15-20 दिन के बाद उनका मेरे पास फोन आता है कि सर जो कैमरा आपको चाहिए वो हम आपको अवेलेबल नहीं करा सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन मुझे चाहिए था वही कैमरा जो जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये कैमरा तो मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की किसी और कैमरा के ऊपर, तो मेरे पास फोन आता है मेरे दोस्त का कि भाई जो कैमरा तुझे चाहिए वो मेरे पास आ गया, क्योंकि उसका भी एक सेल परचेज का ही काम है कैमरे का। देन फाइनली मैंने जाकर कैमरे को परचेज किया और ये कैमरा है कैनन M50 Mark II। और आप सोच रहे होंगे कि इस कैमरे को परचेज करने के लिए मैंने 2 महीने क्यों वेट किया, क्योंकि एक तो ये कैमरा काफ़ी लाइट वेट है और हैंडी है व्लॉगिंग के लिए। लाइट वेट कैमरा बहुत सही होता है जिससे कि आपका हाथ भी नहीं थकता और आप 1-2 मिनट तक बोल सकते हैं, और ये मेरे बजट में भी आ रहा था, डेट्स वाई मुझे इतना वेट करना पड़ा इस कैमरे के लिए। इसके बाद मुझे कुछ टाइम और रुकना पड़ेगा कुछ छोटे मोटे कामों के लिए, लाइक मुझे ये रूम रेडी करवाना था और इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, बट फाइनली ये रूम भी रेडी हो गया और हमारा कैमरा भी आ गया। और दूसरा हमारा ये छोटू कैमरा GoPro भी आ गया जो हेलमेट पे लगाकर सारा कंटेंट शूट करेगा हमारे लिए। इसको मैंने कल माउंट कर लिया था हेलमेट पे लगाकर, और आपको भी जानना है कि हाउ टू माउंट GoPro ऑन हेलमेट, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला है, आप वो देखकर अपने एक्शन कैमरा या GoPro को माउंट कैसे करते हैं हेलमेट पर सीख सकते हैं। बात है ऐसी, सारे छोटे मोटे काम, इक्विपमेंट्स, गियर्स एंड कैमरा जंडो सब कुछ मेरे पास आ चुका है जो जो मुझे चाहिए था वीडियोस बनाने के लिए। ऑन डैट नोट, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं आज अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। इससे पहले मुझे जाना है ऑफिस क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड में अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। सो लेट्स गो। ओहो, ये तो एडवेंचर बाइक आने से पहले ही एडवेंचर हो गया। आगे आगे तो और भी बहुत मजे आने वाले हैं गाइस जब हम अपनी न्यू बाइक पर राइड पर निकलेंगे। और अभी वादियों में जाने का प्लान भी हमारा बन रहा है। 3-4 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि हम राइड पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी ये बता सकता हूँ कि हम उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में से किसी एक स्टेट में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इस मौसम में ये दोनों स्टेट में अगर ट्रैवल करने को मिल जाए तो भाई मज़े ही हैं। और अभी मैं आपको 3-4 दिन में फाइनल बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं उनसे सलाह मशवरा करना भी ज़रूरी है ना। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में से कौन सी स्टेट में ट्रैवल करना चाहिए इस टाइम पर। और अभी जो मेरे साथ मेरे दोस्त जाने वाले हैं बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, अभी उनसे भी मैं मिलवाता हूँ, ऑफिस पहुँचने वाला हूँ बस मैं। अभी उसका फ़ोन भी आ रखा है।
उसको मैंने पहले ही बुला लिया ऑफिस में, ये बोल के मैं ऑफिस पहुंच गया तो आ जा भाई, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं पहले पहुंच जाऊं और मैं इसको फ़ोन करूं ना कि भाई मैं ऑफिस पहुंच गया तो आ जा, तो वो लेट करता है आने में। इसलिए मैं जब घर से निकला था मैंने इसको उस टाइम फ़ोन किया था कि भाई आ जा, क्योंकि मुझे पता था ये मैं ऑफिस पहुँचूँगा तब तक ये आया मिलेगा मुझे। सो गाइज अभी मैं ऑफिस आ चुका हूँ और मेरे साथ जाने वाला है तो ये मेरी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। ब्रो टेल देम अबाउट योर सेल्फ। माई सेल्फ नवनीत और मैं हूँ ऋतिक का बहुत पुराना दोस्त और आज मैं इसके साथ बाइक लेने जा रहा हूँ। कितना पुराना दोस्त है तू मेरा? काफ़ी पुराना है यार, टाइम थोड़ी नहीं गिना, मतलब 2.5-3 साल तो हो गया आई थिंक जानते हुए मैंने। सही बता, सच्चे में यार तेरे को विश्वास नहीं है? देखो गाइस इसको विश्वास नहीं है, ठीक है? हाँ मतलब काफ़ी अच्छा बंदा है ये और आज इसका लाइफ का मतलब बहुत एक्साइटेड है ये, इसका लाइफ का आज बहुत मतलब अहम दिन है, तो आज देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस एक तो ये मेरे साथ जाने वाला बाइक लेने के लिए और बाकी भी हैं 4-5 जने जिसमें से मैं वेट कर रहा हूँ। एक तो साक्षी है वो अभी तक आई नहीं, मैं उसका 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफिस में आके। सच में भाई पक गया हूँ यार, कब आएगी पता नहीं, मतलब इतने मैं एक कॉल मैं यहाँ पे ऑफिस में आ गया था, उसको कम से कम कितने 20 कॉल कर ली कम से कम आधा 1 घंटा हो गया उसको और अभी तक वो आई नहीं है। 20 minutes later गाइस आधा घंटा हो गया हमें वेट करते हुए, देखो मैं तो यहाँ पे लेट गया हूँ आराम से उसका वेट कर करके। 1 hour later आओ लेट लतीफो इतनी देर वेट करा दिया ना। मैंने इतनी देर वेट नहीं कराया, तुमने मुझे कहा था कि 1 बजे चलेंगे लेकिन फिर उसके बाद न्यूज कवरेज आ गई। एक घड़ी में टाइम देखना है, घड़ी टाइम देखना। अरे हाँ तो फिर 2:30 बजे है ना, तुम लोग खुद लेट आए हो। दो वो एक भाई। मैं 1:15 बजे यहाँ पे था। ऋतिक एक बार घड़ी की तरफ करियो, टाइम करियो, एक बार दिखाइयो। 2:30 बज गए अब तो। 2:30 बज गए 1 बजे की बोला था ना, 1 बजे की बोला था मैंने, 1 बजे तक वेट किया फिर मैं न्यूज कवरेज करने चली गई, फिर अब तुम्हारा शायद 2 बजे। कितने बजे गए थे तुम? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या रुकने का? कितने बजे? हम सीधा चले गए थे ना यार, मैं सोची इतनी देर में मार दूंगी। तो कैमरा कॉन्शियस क्यों हो रही है? आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस। कैसा कैमरा है, आवाज ही कैप्चर नहीं करता। ओह माय गॉड, अब मान ले आपा कहीं पर जाए तो सारे कहेंगे तेज तेज बोलेंगे, सबको कहेगा कि तेज तेज बोलो। आप तो एंकर हो, आपको तो मास कम्युनिकेशन सिखाया जाता है कि तेज बोलना है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अबे बेवकूफ, तेज फील्ड में बोला जाता है ये थोड़ी। तो ये फील्ड से कम है क्या? फील्ड से कम है क्या ये? नॉर्मली आके ऑफिस में भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला करूंगी हाय ऋतिक। चुप, बिल्कुल चुप। आज हमारे सीनियर एंकर डॉक्टर बन चुके हैं, है ना? ये हमारा बच्चा। आपने डॉक्टरी कोर्स कहाँ से किया? जिसे हमने पाल पोस के बड़ा किया था और इनका एक्सीडेंट हो गया है। ऋतिक पैर पे भी लगी है ना तेरे? हाँ भाई। कैसे लगड़ा के चल रहा था? वो वाला डायलॉग नहीं है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। भाई ने मेरी टांग तोड़ दी थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सीजर देना, जुबानी बहुत है इसकी, जुबान मेरी जुबान इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, वैसे चलती तो है लेकिन सिर्फ न्यूज़ में। तो इसको हम कैसे करेंगे गाइस, आप सब देखना कि कैसे पट्टी करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो इसको ऐसे ऐसे ना, वैसे डायरेक्ट नहीं लगाते होते, बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे हम इस पर डायरेक्ट लगाएंगे तो इसके जर्म्स कैप्चर हो जाएंगे इसमें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पहले इस पट्टी के ऊपर ये ए ए ए ए ए दवाई लगा देंगे, फिर ये पट्टी लेंगे हम पूरी की पूरी। ये मैं इतने प्यार से लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो लव है ये ऊपर रखा हुआ है और इसको मैं कवर नहीं करूँगी। और एक बार कैंची दिखा दो, कैंची ये देखो व्यूअर्स, कैंची जो मेरी फेवरेट है। भाई पट्टी बांधने में इतना टाइम लगन लग रहा है, जैसे ऑपरेशन करने खातिर दे दे तो आदमी मर लेगा भाई, ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। 3 hours later Can you move it along? I'm all out of time. दर्द हो रहा है। तो टाइट बांधनी तो पड़ेगी ना यार। पट्टी बांधने से पहले पहले दर्द नहीं हो रहा था। पट्टी बांधने के बाद ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी टाइम हुआ है 4:45 और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की डिलीवरी लेने। बाकी सब निकल चुके हैं यहाँ से रॉयल एनफील्ड के लिए और मैं अभी रॉयल एनफील्ड जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे 2 बजे जाना था बाइक लेने लेकिन लेट होता गया और अब 4 बज गए। सो फाइनली अब चलते हैं बाइक को लेने।
हाँ भाई आपको शायद उसमें नहीं होगी बुक थी उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है लॉकडाउन हुआ है या नहीं हुआ एक्चुअली लॉकडाउन अभी नहीं हुआ है अच्छा बस थोड़ी सिकनेस कर दिया है अच्छा तो ये हम हैं हिसार में और हिसार का ट्रैफिक आपको दिखाती हुई है देखो और ये है हमारे ब्लॉगर जिनका कल एक्सीडेंट हो गया और इन महाशय को इतनी बार कहा हुआ है कि ढंग से राइड किया करें लेकिन ये ढंग से राइड नहीं करते और सांप की तरह चलाते हैं बिल्कुल ऐसे देखो नो 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 तो अब हम ट्रैफिक के अंदर आ गए हैं ये देखो ट्रैफिक इस हार का बहुत ज़्यादा है इतनी चोट लगने के बाद हम लोग जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड लास्ट में फाइनली इतना बोलने के बाद ये महाशय माने कि बाइक की डिलीवरी लेकर के आते हैं और आज हम बाइक की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं एक्सपीरियंस कैसा है आपका कैसा लग रहा है एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और वहां पर जाकर के क्या करने की प्लानिंग है बेली की नागिन निकाली मुन्ना पे डोला है अलगला बस हम 2 मिनट के अंदर रॉयल एनफील्ड पहुंचने वाले हैं ये हम आ गए ये नोना बाबू इन नोने बाबू के बाल खराब हो गए हैं हम आ चुके हैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए रॉयल एनफील्ड में और मेरी बाइक मेरे सामने ही खड़ी है बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ और अभी बाइक को यहाँ पे लगाएंगे इस लड़के ने मेरी बहुत हेल्प की आज सारे शॉट लेने के लिए और ब्रो कैसे हो हाय ब्रो हाउ आर यू ब्रो कांग्रेचुलेशंस अभी गाइस यहाँ पे मेरी बाइक लगने वाली है और मेरी बाइक है ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं कलर में लेकिन मुझे पर्सनली ये फाइन ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगा और बाकी सब यहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं फाइनली गाइज आई एम सो एक्साइटेड बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं आज प्लानिंग है सर की रुक सर नहीं लड़का ना वेट कर रहा था बाइक के लिए फाइनली इसकी बाइक की डिलीवरी से आ गई है
और भाई पार्टी कैसे देने वाला है फिर आज? सुखे सुखे की चलो तो भाई बाइक की डिलीवरी तो ले ली है, अब पार्टी टाइम तो बन रहा है। तो वेरी टेक कांग्रेचुलेशंस फॉर रॉकिंग एंड कैसा लग रहा है नई बाइक के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। हां कितना अच्छा लग रहा है मतलब बता नहीं सकता मैं कितना अच्छा लग रहा है। बताना है ये एक ही हाथ मुड़िया मेरे को लगा इतना सारा ये सब ना फूल इतना सारा। अच्छा 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 तो भाई अब रीति क्या करने वाले हो बाइक के साथ? बाइक घर लेके जाने के बाद सबसे पहले काम क्या करने वाले हो? बाइक घर ले जाने से पहले तो ऑफिस चलूंगा ना। ऑफिस चलोगे? ये कहते हैं भाई प्रोफेशनल लड़का। वैसे ना अब ये हमारे साथ हमारी फैमिली है, ये पूरी जो है ना हम ऑफिस वालों की फैमिली खड़ी हुई है, स्पेशली डिलीवरी लेने के लिए रीति के साथ आए हैं क्योंकि हमारे सबसे छोटा बच्चा है, हमारा सबसे लाडला बच्चा है। प्यारा बच्चा है। कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। बाकी भाई भूख लगी है। ये एक और फेक डिलीवरी होते हुए ये तो कमर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं लेते लेकिन दूसरों की बाइक के साथ फोटो खिंचवाते हैं। खुशियां बिल्कुल खुशियां। ये बाद में है वो फिर जाके बोलेंगे आज मुझे रॉयल एनफील्ड पर जाकर के फोटो खिंचवाने का मौका प्राप्त हुआ। खुशियां जो है शेयर करनी चाहिए, बढ़ती है कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो रीति की खुशियां नहीं हमारी खुशियां। तो गाइस हमने रॉयल एनफील्ड की बाइक तो ले लिया लेकिन अब बात आती है कि वेलकम किट के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो एक बार देख लेते कि वेलकम किट के अंदर क्या क्या। ये देखिए किस तरीके का बॉक्स दिया गया है इसके अंदर, और एक यहाँ पर कवर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कवर है किस चीज़ का, तो ये बाइक कवर करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा ये वेलकम किट के अंदर दिया गया है एक बॉक्स, इसको जल्दी से जो है अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। और सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ कि ये जब बाइक की डिलीवरी लेने के लिए आते हैं तो सिर्फ आपको वेलकम किट फ्री में नहीं दी जाती बल्कि इसके पैसे लिए गए थे, लगभग 1960 रुपये इसके लिए गए थे। और ये इस तरीके का कुछ बॉक्स है, और बॉक्स जो है ये यहाँ से देखिए मैग्नेटिक बॉक्स है और ये यहाँ से ऐसे खुलते हैं। बॉक्स खुलने के बाद एक दिया गया है कीरिंग, रॉयल एनफील्ड का कीरिंग है इसके अंदर। तो एक ये कप दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है राइड और रॉयल एनफील्ड अ मोटरसाइकिलिंग वे ऑफ लाइफ सिंस 1901, यानी कि 1901 से इनकी कंपनी चलती हुई आई है। और इसके अलावा ये देखिए ये एक इसे कहते हैं बफ या स्कार्फ भी इसको कह सकते हो आप। तो कंपनी की तरफ से जो है ये फ्री दिया गया है हेलमेट। एक बार हेलमेट भी फटाफट से निकाल के देख लेते हैं कैसा है हेलमेट। और ये देखते हैं भाई अच्छा लग रहा है हेलमेट तो मेरे। ये हेलमेट दिया है फ्री मिला है वेलकमिंग किट के अंदर, ऐसा ही भैया कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि फ्री मिला या नहीं मिला है। भाई एक बात, हिमालयन अब तक इस शहर में कितनी सेल हो चुकी है? ये होगी लगभग सारी टोटल अब तक आपके शोरूम से कितनी सेल हुई है हिमालयन? शोरूम तो भाई 55 साल हो गए। हिमालयन कितनी सेल हुई है इन दिनों में? पिछले साल में होगी 5-6। और इस साल कितनी है? ये पहली है। अच्छा ये पहली है इस साल की। और 2021 के अंदर 4-5 गई हैं आपके शोरूम? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई ना ना बस बाकी जो सारा रहेगा ना मैं कल आता हूँ आपका टाइम निकाल के आराम से। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। वेट 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 गाइस, सबसे पहले तो आई एम सॉरी आपका एंटरटेनमेंट मैंने बीच में रोक दिया, एंड या थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। और दूसरी बात यह कि ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसका भी मैंने और बहुत सारा पार्ट शूट किया था, लेकिन ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और इतने लंबे ड्यूरेशन की वीडियो मैंने आज तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, इसलिए जो बाकी का ब्लॉग रह गया उसको मैं पार्ट 2 बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। एंड यस फाइनली आई एम सो हैप्पी,
कि मेरी बाइक मुझ तक पहुंच गई है एंड ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो सका है। एंड परसों तक मैं इस व्लॉग का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और यार फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो, और अब आप लोग भी बाइक की वीडियो पर प्यार दिखाना शुरू कर दो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आने वाले टाइम में और काम करने की। एंड या अगर चैनल पर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके वीडियो की। टिल देन टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग।